हाय दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपको किस तरीके का डिश एंटीना लगाना चाहिए जब आप परचेस करके लाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर टाटा स्काई लिखा है तो आपको टाटा स्काई ही लगाना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अच्छे डिश एंटीना की क्वालिटी क्या होती है और उसको किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो इसकी किनारी है ये अंदर की तरफ फोल्ड है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ फोल्ड है। ये देखिए यहाँ पे ये अंदर की तरफ फोल्ड है, यानी कि अगर आपका तेज हवा का झोंका भी आएगा तो ये आपकी फ्लक्चुएट नहीं करेंगे सिग्नल, क्योंकि ये हिलेगी नहीं। और ये ओरिजिनल हार्डवेयर है, ओरिजिनल हार्डवेयर मतलब ओरिजिनल छतरी है। आप देखेंगे इसका नंबर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओरिजिनल छतरी है। तो मार्केट में ओरिजिनल की जगह आप दूसरी अगर कोई छतरी लेते हैं, कोई भी डिश एंटीना अगर आप परचेस करते हैं, तो उसका हार्डवेयर इतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन ओरिजिनल कोई भी दूसरा लेंगे तो ये जो मैंने किनारी बताई है अंदर की तरफ से मुड़ी होती है, तो ये ऐसे 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 ये नहीं होगी। और इसके साथ में जो दूसरी चीज़ें मिलती हैं आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें अभी पैक हैं। अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में इस पर वीडियो भी बना के दिखाएंगे। इसके साथ में जो नट लगते हैं यहाँ पे लगेंगे, और इसके अंदर जो नट लगेंगे उनमें से किसी भी नट के ऊपर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल हार्डवेयर में पहचान यही होगी कि आपका जंग नहीं लगेगा, आपकी छतरी जो है सालों साल सही चलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आपके सामने है, ये ओरिजिनल हार्डवेयर है। अगर आपको परचेस करना है तो आप ओरिजिनल ही परचेस करें, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए परचेस करें। अगर आपको ये इस तरीके से मुड़ी हुई डिश एंटीना अगर मिलती है तो उससे ज़्यादा मजबूत डिश एंटीना कोई दूसरी नहीं होगी। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हम मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में। ये सिर्फ डिश एंटीना की जानकारी थी कि आपको किस तरीके का परचेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं हमें कि सर डिश एंटीना कौन सा लेना चाहिए। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए फिर डिश भाई का जय हिंद।